देर में। अब रुक करते हैं झारखंड की ओर, जहां पर सरकार सुविधा केंद्र और पीडीएस दुकानों पर अब सस्ता प्याज बेचेगी। जिस तरीके से अब जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले, तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्याज के जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए झारखंड सरकार सुविधा केंद्रों और पीडीएस दुकानों में सस्ता प्याज बेचेगी। प्याज की कीमत तय करने और सुविधा केंद्रों के संचालन के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री सरयू राय ने आज विभागीय सचिव और अधिकारियों की बैठक बुलाई है। और इससे पहले कल भी मंत्री ने आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के साथ बैठक की थी, और बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि सरकार सुविधा केंद्रों के साथ पेट्रोल पंप पर भी प्याज बेचने की योजना पर विचार कर रही है। और बैठक में आलू प्याज थोक विक्रेता संघ ने बताया कि झारखंड में प्याज की कोई किल्लत नहीं है, और थोक में उच्च गुणवत्ता का प्याज 41 से 45 रुपए किलो और मध्यम श्रेणी का प्याज 31 से 35 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। और रांची के पंडरा बाजार समिति में पर्याप्त इस वक्त मात्रा में वहाँ पे प्याज